बिहार के पावन धरती गांधी मैदान पर यहां पर बिहार दिवस के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय मेला लगा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार अपना कलाओं का प्रदर्शन कर रहा है और बिहार सरकार के द्वारा दिखाया गया है हमारा गांव परिवेश के बारे में और भी बहुत कुछ, जैसे कि बिहार का इतिहास, बिहार का पर्यटक स्थल। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 1912 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता है। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की विशेषताओं की विश्वव्यापी ब्रांडिंग करना और बिहारी होने पर गर्व। बिहार आज अपना सालगिरह मना रहा है। बिहार के अलग राज्य बनने का 111 साल पूरे हुए हैं। आज के दिन ही 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर यह एक अलग राज्य बना था। देश को राह बताने वाले बिहार का समृद्ध इतिहास रहा है। उस समृद्ध राज्य के गौरवशाली अतीत से गौरवान्वित और भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए हर साल बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। इस साल भी बिहार दिवस मनाने की खास तैयारी है। बिहार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम 22 मार्च से 24 मार्च तक मनाए जाएंगे। बिहार के सभी जिलों में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में जश्न का खास इंतजाम है। यहां अगले 3 दिनों तक सुरों की महफिल सजेगी तो कई और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गांधी मैदान के साथ साथ पटना KSK मेमोरियल हॉल में भी गायक और दूसरे कलाकार प्रस्तुति देंगे। यहां कवि सम्मेलन का भी मंच सजेगा। गोलघर, मंगल तालाब में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार का लोक रंग भी यहां देखने के लिए मिलेगा। मैथिली ठाकुर, जावेद अली, सलमान अली, तलत अजीत, इंडियन ओशन बैंड की प्रस्तुति होगी। रिदम ऑफ बिहार भी अपना परफॉर्मेंस देगा। हम लोग अब पूरे घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं रूम की तरफ।